हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सपने में सीढ़ी से नीचे उतरते देखना, यह एक अशुभ सपना होता है। हमें सपने क्यों आते हैं? सपने आने के पीछे कारण होता है हमारे जो शरीर होता है, पंच महाभूत तत्व चिति जल पावक गगन समिधा से मिलकर बना होता है, इसे ही प्राण शक्ति बोलते हैं। प्राण शक्ति के ऊपर में आत्मा का वास होता है। जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर सो जाता है, परंतु हमारी आत्मा जागृत अवस्था में रहती है। और हमारी आत्मा के कारण हमारी बुद्धि जो तीन टाइप की होती है, चेतन, अवचेतन, अतिचेतन, वो हमारे भूतकाल में किए गए कार्य और वर्तमान काल में हम जो कार्य कर रहे हैं उसको जोड़कर एक समुचित फल, समुचित स्वप्न फल के माध्यम से संकेत देती है हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे सपने देखते हैं, और बुरे कार्य करते हैं तो बुरे सपने आते हैं हमको। सपने में सीढ़ी से उतरते हुए देखना, यह एक अशुभ सपना है। आने वाले समय में आपको, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल सकती है, या आप अपने जीवन के सही लक्ष्य या सही उद्देश्य से भटक सकते हैं, भटकाव होगा। आपकी ऊर्जा, आपके आत्मबल में कमी देखने को मिलेगी। शत्रु और विपत्तियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह एक अशुभ सपना है। अगर इस अशुभ सपना को कम करना हो या पूर्णतः नष्ट करना हो तो आपको गायत्री मंत्र या शिव जी की पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ताकि इसके सकारात्मक प्रभाव बढ़े और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए। अगर इस बीच यह वीडियो अच्छी लगी तो इस पेज वर्ल्ड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी आपको, और इससे संबंधित कोई और सपना देखते हैं तो वह भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डेली कोई ना कोई नई रोचक जानकारी या अध्यात्म से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो अपडेट होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी को। भगवान खुश रखें।